मालेगाँव शहर के पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दिनांक 9 अक्टूबर के दिन पुलिस स्टेशन पावरवाड़ी के थानेदार श्री सुधीर पाटिल और उनके अमलदार, इनको ऐसी मालूमात मिली कि मुंबई आगरा हाईवे पे होटल लबई के नज़दीक 5 इसम कुछ गलत तरीके से, संशयास्पद तरीके से घूम रहे हैं। तो मिली मालूमात के तहत थानेदार सुधीर पाटिल और उनके पुलिस अमलदार, जिनमें पुलिस हवलदार राकेश उबाले, नीलेश निकम, उमेश खैरनार, विनोद चौहान, संतोष सांगले, नवनाथ शेलार, इन सभी का उसमें समावेश है। ये सब लोग ने वहाँ जाके मालूमात ली तो उनको ध्यान में आया कि 5 लोग वहाँ पे डाउटफुली घूम रहे हैं, तो उन्होंने वो लोगों को ताबे में लिया। उसमें से 2 लोग वहाँ से भाग गए और जो 3 लोग ताबे में लिए उनके नाम है शेख रब्बानी, शेख कादिर, उसकी उम्र 32 है, वो रहने वाला वफातीपुरा मालेगाँव का है, और 2 नंबर पे है शेख जहीर शेख हारून, उम्र है 30, रहने वाला है रसूलपुरा मालेगाँव। 3 नंबर पे है जलाल मोहम्मद हनीफ, उसकी उम्र 28 है, वो देविका मल्ला मालेगाँव एरिया का रहने वाला है। और जो भाग गए उसमें शाहिद अख्तर, शाहिद अहमद उर्फ अख्तर कालिया, रहने वाला केजे नगर मालेगाँव, और जो दूसरा है भाग गया वो मोहम्मद रजा रईस अहमद उर्फ शेरा, आयशा नगर चौक मालेगाँव का, ये 2 जो 2 लोग भाग गए। जो 3 लोग पकड़े गए उनकी जब झड़ती ली गई तो उसमें 2 देशी कट्टे, 6 जीवंत कारतूस और 1 तलवार, ऐसा 51,500 रुपये का मुद्देमाल उनसे जब्त किया गया है। ये 3 लोगों को अरेस्ट की गई है, इनके अगेंस्ट में खिलाफ में पौराड़ी थाने में 399 का गुना, कलम का गुना दाखिल किया है। उसके तहत माननीय कोर्ट के सामने ये 3 आरोपियों को जब रिमांड में रखा गया और आगे की तफ्तीश के लिए उनकी रिमांड मांगी गई तो कोर्ट ने उनको 4 दिन का PCR भी मंजूर किया है। जो बाकी के 2 आरोपी है उनका भी हम अभी तफ्तीश चालू है, उनको भी ढूंढ के निकालेंगे। इसमें जो देखने वाली बात यह है कि शेख रब्बानी, शेख कादिर, उम्र 32, रहने वाला वफातीपुरा मालेगाँव का जो है, इसके ऊपर पहले से भी कुछ गुने दाखिल है, वो गुनों में भी वो वांटेड था और वो गुनों के नंबर नाम मैं बताऊंगा आपको। पुलिस स्टेशन पवारवाड़ी, गुना नंबर 11/22, कलम 394 RMAT, गुना नंबर 119/22, कलम 307, गुना नंबर 249/22, कलम 307, गुना नंबर 251/22, कलम 399, गुना नंबर 269/22, कलम 399। और तो और इसके ऊपर जलगांव ज़िले में कासोदा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे भी एक 302 का गुना इसी साल का दाखिल है, उसमें भी वो वांटेड था। तो ये जो आरोपी है इसके पीछे जलगांव और नासिक ग्रामीण दोनों पुलिस लगी हुई थी। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के थानेदार सुधीर पाटिल और उनके स्टाफ, इन्होंने इसमें बहुत दिनों से इसके पीछे लग के ये मालूमात निकाली थी, और इसमें कल के जो वाक़या हुआ उसमें भी ये लोग संगीन रीत्या से मिल गए हैं, इनके ऊपर गुना भी दाखिल किया है। आगे का तपास सुधीर पाटिल थानेदार पवारवाड़ी ये खुद कर रहे हैं। हाँ बराबर है, जो थानों में अभी उसको फरार बताया गया है वो थाने के लोग हमसे संपर्क करे, हम उनसे आह्वान भी किए हैं, तो उससे फिर वो आरोपी दूसरे गुनों में भी वो पुलिस स्टेशन में वर्ग किया जाएगा। कितने सालों से ये फरार था? लगभग 1.5 साल से फरार था। अभी मालूमात लेना चालू है, वो मिलते ही बोल दिया जाएगा।